मन की यहाँ आशाएं लेकर आए, यहाँ आशीष बिनती जाए कहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बातें यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे 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 वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु प्रेस की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आत्मा के साथ 2022 के पवित्र 40 अवसर के सेकंड सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम विश्वासियों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का विशेष अवसर है, जब हम प्रभु के मृत्यु के बारे में मनन करेंगे, उनके क्रूस मरण, पीढ़ा सहन एवं पुनरुत्थान के बारे में मनन करते हुए इस 40 दिन को बिताएंगे। इसमें हम दूसरे सप्ताह आज प्रवेश कर रहे हैं। मेरी ही प्रार्थना है, कामना है, यह समय आप सबों के लिए अनुग्रह, आशीष एवं प्रभु की ओर लौटने का अवसर रहे। विशेष रूप से इन दिनों में हम जिन व्यक्तियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उन्हें इस 40 के अवसर हमारे त्याग तपस्या, हमारे परहेज, हमारे फास्टिंग सब चढ़ाते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। निरंतर हमारे पास में अनेक निवेदन मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना मांगते हुए आते हैं। उन तमाम लोगों को आज के इस पवित्र में सब बलिदान में मैं चढ़ाना चाहूँगा। पुत्र हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई जिनके लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, उन सबों को आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान के समय हम इस वेदी पर चढ़ाते हैं। इस बलि वस्तुओं के साथ में उन्हें भी उठाते हैं प्रभु की ओर, ग्रहण कर प्रभु। साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष कृपा सबों पर बनी रहे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तेरे को वारिधने मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने शारीरिक तपस्या करने का आदेश दिया है ताकि हम आत्मिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। हम पापों से बचने में समर्थ हो और तेरे प्रेम पूर्ण आज्ञाओं का पालन कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जुहा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पहला पाठ, नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, वचन संख्या 4 से 10। पाठ का मूल वाक्य है, हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते हैं और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी, तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इजरायली, चाहे वे निकट रहते हो चाहे उन दूर देशों में जहाँ तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं। हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया है और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न न हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार ना कर। हम तेरी प्रजा हैं, तेरी चारागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युगों युगों तक स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। जय घोष। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पर संख्याएं 36 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें और भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा कि हम 40 से का इस पवित्र अवधि के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और आज के पवित्र सुसमाचार में विशेष रूप से अनेक चीज़ों को बताया गया है, जैसे दोष ना लगाओ, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, क्षमा करो और दो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मैं आप सबों का ध्यान सिर्फ एक वचन पर केंद्रित करना चाहूँगा, जो आज के अनुवाक्य भी था और आज का सुसमाचार का पहला सेंटेंस भी था, जिस पर बताया गया है अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। फ्रांसिस पापा ने एक बार बताया था, मर्सी इज द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण उपाधि जो है वो दयालु है। द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी। ईश्वर का नाम ही दया है। मर्सी इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ गॉड और उनका नाम दया है। बहुत ही सूदिंग वचन है ये कि जब हमारे जो ईश्वर है वो करुणामय है, दयालु है और उनकी दया का कोई अंत नहीं है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। और स्वर्गिक पिता कैसे दयालु है उसके बारे में आज के आने वाले शब्दों में बताया गया है कि दोष न लगाओ, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, क्षमा करो और दो तुम्हें और भी दिया जाएगा। जैसे संत पापा ने कहा है कि मर्सी इज द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड और जो दयालु है उनकी एक प्रकार के बताए जाए उनका मुख्य लक्षण यह है, वो दोष नहीं लगाते हैं, वो किसी के विरुद्ध निर्णय नहीं देता है, वो क्षमा करता है और बड़े खुशी के साथ में देता है। 40 से की अवधि प्यारे भाई और बहनों मेरे लिए और आपके लिए हमारे स्वर्गिक पिता जैसे बन जाने का है। जैसे वह दयालु है, मैं आप सबों को आह्वान करना चाहूँगा मुझसे शुरुआत करते हुए कि हम भी दयालु बने। दयालुता का पैमाने क्या है फिर से दोहराना चाहूँगा, दोष न लगाए, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दे, क्षमा करे और दे खुशी के साथ। दोष न लगाए। जो व्यक्ति दयालु होते हैं वो किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, वो सब में संभावनाएं खोजते हैं। अगर कोई गलती हुई तो उसको गलत कहने से ज्यादा संभावनाएं खोजने लगते हैं। उसी प्रकार किसी के ऊपर निर्णय ना दे। क्यों निर्णय ना दे? क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस प्रकार के मिट्टी के बने हुए हैं। हर इस इंसान में अच्छाइयां बुराइयां हैं। मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूं। कभी हम बहुत अच्छे होते हैं, कभी हम बुरे भी होते हैं। उसी प्रकार हम जिन व्यक्तियों पर निर्णय करते हैं वे भी अच्छे और बुरे होते हैं। कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। तो निर्णय देते समय, निर्णय लेते समय दयालुता बरतें, क्षमा देते रहें। जिंदगी बड़े आराम से और खुशी से के साथ में जीने का मंत्र है, क्षमा करते रहें। भले हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा साजिश करा हो, क्षमा करें। हमारे ऊपर किसी ने धोखा दिया हो, क्षमा करें। कोई हमारे साथ अहम मौके पर छोड़ दिया हो, क्षमा करें। और किसी ने हमारे हाथ छोड़कर चले गए हो, क्षमा करें। यह क्षमा ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए है, यह क्षमा आपके लिए भी है। क्षमा करने से इंसान का बोझ हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप अपनी जिंदगी में हर वक्त खुश रहना चाहे तो हर वक्त क्षमा करें। किसी भी बोझ को अपने दिल के अंदर न रखें। भले किसी ने आपके साथ में विश्वासघात भी किया हो, उन्हें भी क्षमा करें। 40 की इस अवधि पर हम पेतरुस पर जरूर मनन चिंतन करेंगे। मैं अक्सर ये बात को यहां पर दोहराता गया हूं, क्योंकि प्रभु जानते थे कि पेतरुस किस प्रकार का व्यक्ति था। वो प्रभु को ठुकराया, प्रभु जानते थे। उसके बावजूद भी उन्हें अपने शिष्यों का प्रमुख बनाते हैं। और ये ठुकराए जाने की इस बात के बाद जब पुनरुत्थान हुआ प्रभु का, उसके बावजूद भी उस पेतरुस पर प्रभु 100% भरोसा रखते हैं। एक प्रकार के बताया जाए, जिन व्यक्ति ने उनको विश्वासघात किया था, उसी व्यक्ति पर पूरा भरोसा रखते हैं, क्षमा करते हैं। और खुशी के साथ दो। आपके पास में जो चीज हैं, आपके समय, आपके रिसोर्सेस, आपके टैलेंट्स, आपका समय, जिनको इसकी जरूरत होती है उनके साथ में दे, साझा करें, शेयर करें। जब हम 40 की इस अवधि पर है, प्रभु हम सब से यही चाहते हैं कि हम भी हमारे स्वर्गिक पिता जैसे बने। स्वर्गिक पिता कैसे हैं? अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बने। पापा फ्रांसिस का है, उन वचनों को दोहराना चाहूंगा। मर्सी इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी। ईश्वर का नाम ही दया है। हमारा पहचान भी इसी से बनती जाए, ये मेरी प्रार्थना है। जब 40 के इस अवधि पर हम प्रवेश करते हुए, इससे गुजरते हुए, प्रभु के मृत्यु के बारे में मनन करते समय हम विशेष रूप से इस अवसर को हमारे परिवार के लिए, परिवार के परिप्रेक्ष्य में और दयालु बन जाने का अवसर बना दे। पिता अपने पुत्रों के प्रति, पिता अपने पत्नी के प्रति, पुत्र अपने माता पिताओं के प्रति, भाई बहनों के प्रति, सभी एक दूसरे के प्रति और दयालु बने। जो दयालु होते हैं वह दोष नहीं लगाते हैं, निर्णय नहीं देते हैं, क्षमा करते हैं, खुशी के साथ एक दूसरे के साथ अपने पास में जो है वो बांट देते हैं। आमीन। को चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं दयापूर्वक स्वीकार कर। जिन लोगों को तू स्वर्गिक संस्कार में भाग लेने का अवसर देता है, उन्हें सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगा, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यहाँ उचित न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्तजन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व के सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार के कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचारे से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें अपने सम्मुख पाद से धोने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्राइस्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुथीले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सपदी आदृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। मेरी प्रभु ख्रीस्त के द्वारा मेरे के साथ विनी में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट फिर प्रकट होगा। हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, हम अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु वे शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कृष्ण का श्री। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आध्यात्मिक रूप से हमारे दिल में, हमारे परिवार में पधारने के लिए। प्रभु, चालीसे के इस पवित्र समय हम सबों के लिए प्रभु और आपके जैसे बन जाने का अवसर बने। जिस तरह तू दयालु था, दयालुता से जिस प्रकार तू हम सबको अपने रूप में बन जाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण देता है, प्रभु जी, हम भी एक दूसरे के प्रति और दयालु बनते जाए। हम हमारे जीवन में दूसरों को दोष न लगाए, हम हमारे जीवन में दूसरों को क्षमा प्रदान करें। प्रभु, हम किसी के ऊपर निर्णय ना दे। प्रभु, हम सबको खुशी के साथ हमारा सब कुछ देने में समर्थ रहे। प्रभु, हमारे परिवारों से प्रभु इसका आरंभ हो। हम हमारे परिवार में एक दूसरे के प्रति और दयालुता के साथ में पेश आए। सबकी कमी घटियों को प्रभु क्षमा करने के लिए हमें और आपके जैसे बना दे। प्रभु, एक दूसरे के साथ में और प्रेम और क्षमा के साथ दिन प्रतिदिन व्यवहार करने के लिए प्रभु हम सबको तेरे जैसे बना दे। प्रभु, हमें आप जैसे दयालु बना दे। प्रभु, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार में हमारी सहभागिता, हमारे अपराध मिटा दे और हमें स्वर्गीय आनंद का उत्तराधिकारी बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को सुने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, सुने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत तुझसे के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत तुझसे के मुझे बचा लिया। सुने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया।